नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा लेडीज जूती लाई हूँ। ये अंगूठे वाली खूबसूरत सी लेडीज जूती, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और देखिए बनने के बाद ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और पैरों में ये बहुत ही आरामदायक है। ये जूती 7 नंबर पैर के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 54 फंदे डाले हैं, 54 स्टिचेस। और ये हमारा पहला लाइन है, तो पहला फंदा सीधा, अगला फंदा उल्टा। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। ये दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो सीधे पे सीधा बुनते हुए और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बॉर्डर का दूसरा लाइन है और हमें 8 लाइन बनाना है। तो 8 लाइन का बॉर्डर बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपना सेकेंडरी कलर अटैच करेंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकेंडरी कलर से सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। सभी फंदे उल्टे। दूसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लिए गए हैं। अब ये तीसरी लाइन है और इसमें हम प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो सभी फंदे सीधे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरी लाइन में मैंने सभी फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से सीधे बुन लिए हैं। अब ये चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, शेष सभी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो सभी फंदे सीधे बुन लिए गए हैं। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 4 लाइन कंप्लीट हो गए हैं। तो इन्हीं चारों लाइनों को दोहराते हुए ये देखिए प्राइमरी कलर का ये एक धारी बन गया है। तो इन्हीं चारों लाइनों को हमें दोहराते हुए प्राइमरी कलर के 8 धारी कंप्लीट होने तक बुनना है। तो 8 धारी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, प्राइमरी कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हमें सेकेंडरी कलर से बुनना है, तो हम एक फंदा बुनेंगे, अगले फंदे को बुन के पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अब हम 10 फंदा घटाएंगे, एक घट गया, ये 2, 3 और इस धागे को भी हम साथ साथ लेते जाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8 9 और 10। तो हमने 10 फंदे घटा लिए। शेष फंदे हम सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदों को सीधा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब सभी फंदों को हम रॉन्ग साइड से सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने 10 फंदे घटाए थे, तो वापस हमें 10 फंदे बढ़ाने होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए धागे को ऐसे लिया और एक देखिए यहाँ पे एक ऐसे राउंड बना लिया। ये धागा हमारा ऊपर की तरफ है, देखिए इसको हम ऐसे सिलाई में फंसा देंगे। एक हो गया, ये एक देखिए ऐसे बनाया, इसको सिलाई में ऐसे पहना दिया। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10। तो हमने देखिए 10 फंदे बना लिए। अब हम सामने की तरफ आएंगे। आगे अब जैसा कि हमारा पैटर्न है, हमें सारे फंदे प्राइमरी कलर से सीधे बुनने हैं, तो हम प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो हम सभी फंदे सीधा बनाते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हमें पहले और आखिरी फंदे को उल्टा बुनना है और बीच के सभी फंदों को सीधा बुनना है। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे या उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। और आखिरी फंदा उल्टा, और अब सेकेंडरी कलर से सभी फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर लाइन है और इस लाइन के इस तरफ 8 प्राइमरी कलर के धारियां हैं और 8 सेकेंडरी कलर की धारियां। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 प्राइमरी कलर की धारियां हैं और 8 सेकेंडरी कलर की धारियां। तो ऐसा ही हमें इस साइड भी बनाना होगा, यानी ये हमारा एक प्राइमरी कलर का एक धारी ये बन गया और ये सेकेंडरी कलर का एक धारी बन रहा है। तो ऐसा ही सेम हमें इस साइड भी बनाना होगा। तो इतना कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 धारी प्राइमरी कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 धारी सेकेंडरी कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट हो गई है। अब हमें सेकेंडरी कलर के उनका कोई काम नहीं है, तो इसे हम काट लेंगे और गांठ लगा लेंगे। अब हम प्राइमरी कलर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब रॉन्ग साइड से भी सीधे फंदे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये दूसरा लाइन है और हमें 8 लाइन कंप्लीट करना है, जैसा कि हमने इस साइड में बॉर्डर बनाया है। तो ये दूसरा लाइन है और मैं 7 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 7 लाइन का बॉर्डर कंप्लीट हो गया है और अब ये 8वां लाइन है और रॉन्ग साइड से। तो सीधे को सीधा बुनेंगे, उल्टे को उल्टा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट फंदा सीधा, ऐसे सीधा बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। एक एक फंदा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। तो देखिए हमारे फंदे बाइंड ऑफ होने शुरू हो गए हैं।
तो इसी तरह करके हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। तो मैं सारे फंदे क्लोज करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सारे फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब हम थ्रेड थोड़ा लंबा काटेंगे और इस फंदे में से थ्रेड को निकाल लेंगे और टाइट कर लेंगे। अब हमारी जूती तैयार हो गई है। अब हमें बस इसकी सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम सुई में थ्रेड डाल लेंगे और ये जो हमारा पोर्शन है और इसे हम ऐसे उल्टा कर लेंगे। देखिए ये हमने घटाया था, तो आधे पोर्शन को हम ऐसे उल्टा कर लेंगे कि सिलाई शुरू करेंगे। देखिए जितने हमारे प्राइमरी कलर वाले ये एज हैं, इसमें हम ऐसे धागा डालेंगे और हल्का सा ऐसे खींच लेंगे और फिर इसको हम दूरा देंगे। अब देखिए हम फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। अब हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। यहाँ पे हम एक दो बार कर लेंगे ताकि यहाँ से खुले नहीं। उसके बाद अब हम वापस अब दूसरे सिरे को भी ऐसे ही हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसे हमने दूसरे सिरे को भी हमने ऐसे ही फोल्ड कर लिया। अब हमें इस साइड भी सिलाई करनी है। देखिए एक के ऊपर एक रखेंगे और सिलना शुरू करेंगे। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और जितने हिस्से में हमारा पैर जाएगा उतने हिस्से को छोड़ के बाकी की हमें सिलाई कर लेनी है। अब हम यहाँ सुई डालेंगे और चोटी के ऊपर ऐसे चोटी बिठा देंगे। ये एक दूसरे के सामने आना चाहिए ऐसे। और अब हम सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में। जितना हमको ये रखना हो अपने पैर के हिसाब से उसे हम रख लेंगे और उसके बाद इसे फिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे यहाँ पे कई
जितना हमको अपने पैर के हिसाब से बनाना हो बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक दो राउंड कर लेंगे ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। अंदर की तरफ करके और गांठ लगा देंगे। और अंदर थोड़ा फंसा के और काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अंगूठे वाली जूती बनके तैयार है। सिंपल एंड ब्यूटीफुल। आशा है आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया इसे बनाइए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।